एलएसी पर शांति के मुद्दे पर भारत से बातचीत के तुरंत बाद चीन ने एलएसी के पास सैन्य अभ्यास किया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि सैन्य अभ्यास में उसने अपने घटिया हेलीकॉप्टर Z-10 को भी शामिल किया है। यानी चीन एलएसी के पास सैन्य अभ्यास में एक ऐसे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा है जो तकनीक के मामले में फिसड्डी कहा जाता है। वैसे चीन Z-10 को अपना लड़ाकू हेलीकॉप्टर कहता है, जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और कई खतरनाक हथियार लोड किए जा सकते हैं। लेकिन जानकार मानते हैं कि Z-10 का इंजन बहुत ही घटिया है और ये ऊंचाई वाले इलाकों में दम तोड़ देता है, क्योंकि Z-10 का WZ-9 इंजन 5.5 टन का हेलीकॉप्टर उड़ाने के काबिल ही नहीं है। लेकिन चीन इस बात को नहीं मानता, वो सच से मुंह छिपाता फिर रहा है और अब तो उसने अपने झूठ को सच बनाने के लिए Z-10 को LAC के पास सैन्य अभ्यास करने भेज दिया है। चीन ने 2 दिन पहले ही LAC पर शांति के मुद्दे पर भारत से बातचीत की थी, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला था, क्योंकि चीन भारत की बात न मानने की जिद पर अड़ा हुआ है और अब तो उसने हद ही कर दी है। एक ओर वो बातचीत का नाटक कर रहा है, दूसरी ओर LAC के पास सैन्य अभ्यास कर रहा है। मतलब ये कि चीन डबल गेम खेल रहा है। उसने साबित कर दिया कि वो दो मुहा सांप है जो दोस्ती की आड़ में भारत को धोखा दे रहा है, क्योंकि भारत के बार बार कहने के बावजूद चीन की सेना LAC पर खुराफात कर रही, वो भारत को उकसा रही, जिसके लिए वो अपने घटिया हेलीकॉप्टर तक को LAC के पास ले आई। वो हेलीकॉप्टर जो इतनी ऊंचाई पर ठीक से उड़ भी नहीं सकता। यानी तकनीक के मामले में अमेरिका की बराबरी करने वाले चीन की पोल फिर खुल गई। उसने लंबी चौड़ी सेना तो बना ली है, लेकिन उसके हथियार अंदर से खोखले हैं, जिसकी मिसाल है Z-10 जैसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो चीन की सेना की सच्चाई दुनिया के सामने लाता है।